मॉर्निंग स्टूडेंट, इट इज अ नाइन्थ क्लास लर्निंग वीडियो। हम लोग चैप्टर टू के बिल्कुल एंड पॉइंट पर पहुंच गए हैं और आज हम लोग चैप्टर टू की लास्ट आइडेंटिटी पढ़ेंगे और अगली दो वीडियो में नाइन्थ क्लास के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। और आप तैयार रहिएगा नाइन्थ क्लास के टेस्ट के लिए जो हम लोग संडे में लेंगे। तो मैं आपको पहले से अनाउंस कर रहा हूँ कि संडे में आपका टेस्ट होगा चैप्टर टू का, ठीक। तो आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए और जब तक हम चैप्टर टू के एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे फिर हम आगे चैप्टर थ्री शुरू करेंगे। तो आज हम चैप्टर टू की 2.5 एक्सरसाइज की लास्ट आइडेंटिटी पढ़ रहे हैं। इस आइडेंटिटी को पढ़ने के बाद आज आपकी ड्यूटी बनती है कि आप एक बार अपने आप सारी आइडेंटिटी को एक जगह लिख कर देखें, याद करके देखें, क्योंकि ये एक्सरसाइज ही आइडेंटिटी की है। जो आइडेंटिटी का टॉपिक होगा उसी को ये एक्सरसाइज समझ में आएगी, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। क्वेश्चन देखते ही पता चल जाना चाहिए कि इस क्वेश्चन में ये आइडेंटिटी यूज होनी है, इतनी प्रैक्टिस करनी है। इसलिए बार बार आपको बहुत सारी रिविजन शीट भेज रहे हैं धीरे, जैसे आप उन क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में आइडेंटिटी है कि इफ ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जीरो हो, देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का आंसर 3abc होता है। देखिए क्या आइडेंटिटी है, जिन तीन टर्म का सम जीरो हो, अगर उन तीनों का क्यूब कर दिया जाए, क्यूब, तो वो किसके इक्वल होता है, 3abc के इक्वल होता है, यानी कि इन तीनों के मल्टीप्लाई कर 3 टाइम्स। ये ऐसी आइडेंटिटी है। आइए चेक, अब देखो इसमें तो लिखा हुआ है कि इनका क्यूब करो। अब क्यूब तो तीनों का मल्टीप्लाई किया तीन तीन बार और सॉल्व कर दिया, ऐसे नहीं करना। एग्जाम में लिखा हुआ आएगा यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी इवेल्युएट द फॉलोइंग या फैक्टराइज द फॉलोइंग, यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी ऐसे लिखा हुआ आएगा, ठीक है। तो अब देखिए कैसे करेंगे। जो ब्रैकेट में लिखे हुए ना उनका नाम एबीसी है। सबसे पहला काम क्या करेंगे, ये जो बीच में साइन है ये प्लस के होने चाहिए। अगर कहीं माइनस का साइन बीच में है तो उसको हटाकर पहले ब्रैकेट में लगाएंगे, जैसे हम अभी इस क्वेश्चन में कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले ये क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है ब्रैकेट में, जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना लिखेंगे लेट, जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है माइनस का 12 को ए मान लेंगे, बी 7 को मान लेंगे और सी किसको मान लेंगे 5 को। ये देखो जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है उसको ए बी और सी, क्यूब से कोई मतलब नहीं है, क्यूब से कोई मतलब नहीं है, ब्रैकेट के टर्म्स को ए प्लस बी सी मानेंगे। अब चेक करेंगे कि इन तीनों का सम जीरो आ रहा है कि नहीं। ऐसे लिखेंगे इफ ए प्लस बी प्लस सी, आइए चेक करें इन तीनों का सम। ये तो एक क्वेश्चन एकदम देखते पता चल जाएगा, बस तीन क्यूब हो गए और कुछ भी नहीं होगा, एकदम पता चल जाएगा कि ये वाली आइडेंटिटी है एकदम। देखो ये सारे क्वेश्चन देखो, एग्जामिनर ने किसी एक स्कूल में क्वेश्चन को ऐसे दिया, अभी इसकी ट्रिक भी देखेंगे, पहले समझ तो लेंगे ये आइडेंटिटी है क्या। देखो तो जो टर्म ब्रैकेट में लिखी हुई है इन तीनों को क्या मान लेंगे, ए बी सी, साइन के साथ, जो इनके साथ साइन है। अब चलो ए की वैल्यू पुट करो माइनस का 12 प्लस बी की वैल्यू पुट करो 7 प्लस सी की वैल्यू पुट करो 5। माइनस का 12 और 7 प्लस 5 12, बताओ भाई माइनस के 12 और प्लस के 12 क्या आ गया, जीरो। इफ अगर इन तीनों का सम जीरो आ गया, इफ अगर नहीं आया तो क्वेश्चन आगे नहीं होगा। ब्रैकेट में लिखी हुई इन तीनों का सम बिना क्यूब बिना स्क्वायर के, बस इन तीनों टर्म का सम जीरो आना चाहिए। क्या लिखूं, देन, अब ध्यान से समझना, अगर इन तीनों का सम जीरो आ गया तो आइडेंटिटी लगेगी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल 3abc। देन इफ अगर ऐसा है, इफ देन तभी अप्लाई होगा, अगर तीनों का सम जीरो नहीं है तो ये अप्लाई नहीं होगा। अब बताओ ए की जगह क्या लिखूं, माइनस का 12, बी की जगह 7, सी की जगह 5, 3। अब इन तीनों के क्यूब करके मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, इन तीनों का क्यूब किसके इक्वल होगा, 3abc के, 3a, ए की जगह माइनस 12, बी की जगह 7, सी की जगह 5। आइए इन तीनों की मल्टीप्लाई करते हैं, 4 प्लस माइनस तो माइनस ही आएगा, ये 36 हो गया और ये 35 हो गया,
चलिए 36 को 35 से मल्टीप्लाई करते हैं। जीरो सिक्स टू आंसर आ गया माइनस के 1260। कोई मल्टीप्लाई गलत हो तो चेक कर लेना, ठीक है? ठीक कर लेना, देखो आंसर आ गया। तो इन तीनों को अलग अलग क्यूब करके प्लस करके यही आंसर आएगा। तो ऐसे सिंपल नहीं करना, आइडेंटिटी का यूज करना। कैसे यूज करनी है आइडेंटिटी? जो ब्रैकेट में टर्म लिखी हुई है उनको एक बार ऐसे एबीसी मान लेना है, फिर प्लस करके देखना है, तीनों टर्म को प्लस करके देखना है, केवल उनको जो ब्रैकेट में लिखी हुई है उन सबका सम जीरो आ गया। अगर इन तीनों का सम जीरो आ गया तो आइडेंटिटी होगी इन तीनों के क्यूब का सम किसके इक्वल होगा? 3abc के। एबीसी की वैल्यू नोट कर दी, इन तीनों का क्यूब यही आएगा। हमें करके देखने की जरूरत नहीं, बस इनका मल्टीप्लिकेशन आंसर आ गया -1260। ठीक है, समझ में आया? एक और करते हैं, कोई बात नहीं, सेकंड पार्ट करते हैं, ये वाला पार्ट करते हैं। चलो यही करते हैं, 28 क्यूब माइनस का 15 क्यूब माइनस का 13 क्यूब। क्या लिखूं? जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इस पहले का नाम ए, दूसरे का नाम बी और तीसरे का नाम सी, ये देखो। ठीक है, ऐसे लिखेंगे इफ। अब चेक कर रहे हैं कि जो ब्रैकेट की टर्म हमने एबीसी माने थे उन तीनों का सम जीरो है या नहीं है। देखो ए बी और सी को प्लस करते हैं, 28 माइनस का 15 और माइनस का 13, 28 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, 28 माइनस माइनस प्लस साइन बड़े वाले का, बताओ भाई क्या आ गया? जीरो आ गया है। तो ठीक है, अगर है तो आगे चलेंगे, अगर ब्रैकेट में लिखी हुई टर्म का सम जीरो नहीं है तो आगे नहीं चलेंगे। कैसे पता चलेगा ये आइडेंटिटी लगेगी? ये बस तीन क्यूब आएंगे और कुछ नहीं आएगा। चलो देन अब लिखेंगे देन, हाँ अब हम आगे चल सकते हैं। बताइए क्या आइडेंटिटी होती है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल 3abc, ये आइडेंटिटी होती है। कब अप्लाई होगी आइडेंटिटी? अगर ब्रैकेट के तीनों टर्म का सम जीरो है तो इन तीनों का क्यूब किसके इक्वल होगा? 3abc के। अब 3abc में वैल्यू पुट कर देंगे तो इन तीनों के क्यूब का सम अपने आप आ जाएगा। चलिए ए की वैल्यू बताओ क्या थी? 28। बी की वैल्यू क्या थी? माइनस का 15। सी की वैल्यू क्या थी? माइनस का 13। चलो भाई 3 × 28 इंटू माइनस का 15 इंटू माइनस का 13। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 84 माइनस माइनस प्लस 13, 5 प्लस 65 195। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 195 की 84 से। तो यहां आ गया 03441। ठीक है, फिर भी मल्टीप्लाई चेक करें ना, कोई गलती हो ठीक कर। तो इन तीनों का क्यूब नहीं करना पड़ा और देखो आंसर आ गया 14430। इन तीनों का क्यूब किसके इक्वल होगा? 3abc के। ये एबीसी कौन है? जो ब्रैकेट में लिखे हुए हैं। ये कब होगा 3abc? जब ब्रैकेट की लिखे हुए तीनों टर्म का सम क्या हो जाएगा? जीरो। आया समझ में? अब देखो खूब सारे क्वेश्चन है, आप ट्राई करना, ये भी ट्राई करना है, ये वाला भी ट्राई करना। इस क्वेश्चन को पढ़ता हूं, ये देखिए, ये सवाल लिखा अलग हुआ है इसलिए इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिएगा, ये आपकी आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी। कल से हम अगले वीडियो में 9th क्लास के अच्छे अच्छे एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे, खूब बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। और संडे को तैयारी रखिए पूरे चैप्टर की, संडे में आपका टेस्ट होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है 14 क्यूब माइनस का 2 क्यूब और माइनस का 12 क्यूब। इसके बाद फिर मैं इस वाले क्वेश्चन को करूंगा, देखेंगे कैसे होगा। देखो अब ये माइनस का साइन ना बाहर लिखा हुआ है, देखो यहाँ अंदर लिखा हुआ था माइनस का साइन, यहाँ बाहर लिखा हुआ है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले ऐसे लिखेंगे 14 का क्यूब, आप लिखेंगे प्लस, क्योंकि आपके फॉर्मूले में ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब है, तो प्लस। इस माइनस 2 को अंदर लिखेंगे ऐसे, फिर प्लस, ऐसे लिखेंगे माइनस का 12 ऐसे। तो
सबसे पहला काम आपको ये करना है कि ये जो माइनस के साइन है इन्हें अंदर ट्रांसफर करना है और बाहर इसके साइन लगाने हैं प्लस के, ठीक है। इतना करने के बाद अब बताइए, लेट बताओ भाई, ब्रैकेट वाले टर्म को सबसे पहले क्या लेंगे, ए, सेकंड नंबर को बी और थर्ड नंबर को सी। देखो मान लिया है सी, अब क्या लिखेंगे, इफ, तीनों को प्लस करेंगे। चलो भाई प्लस करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, आइए तीनों को प्लस करते हैं। क्या लिखा हुआ है, ए की जगह बताओ 14, बी की जगह माइनस का 12, सी की जगह माइनस का 12। कुछ गड़बड़ हो रही है, ये 2 है, सॉरी ये 2 है, माइनस का 2, ये मैंने 12 लिख दिया, ये माइनस का 2 है। चलो 14 प्लस माइनस के 2 प्लस माइनस के 12, तो माइनस के 2 और माइनस के 12 माइनस के 14, बताओ क्या आ गया, 0। ब्रैकेट में पहले माइनस हटाकर अंदर लगाने हैं और बाहर प्लस के साइन लगाने हैं, फिर जब ये माइनस अंदर ट्रांसफर हो जाए तो इनको एबीसी लेट करना है और इन तीनों को एबीसी को प्लस करके देखना है कि 0 आ रहा है कि नहीं। अब लिखेंगे देन, अगर इन तीनों का सम 0 आ रहा है तो आइडेंटिटी लिखेंगे सबसे पहले, देन अब बताइए इन तीनों का क्यूब किसके इक्वल होगा, 3abc के इक्वल होगा। a की जगह 14, b की जगह माइनस का 2 और c की जगह माइनस का 12, किसके इक्वल होगा, 3 × 14 −2 −12। दो बार माइनस आ रहा है तो आंसर प्लस नहीं आएगा, 14 × 3 = 42 और 42 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 84, ठीक है, 42 की और इनटू माइनस माइनस प्लस और इनटू 12, अब इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ गया 1008। फिर भी मल्टीप्लाई करके देख लेना, अपन मिस्टेक को ठीक कर। अब अगली आइडेंटिटी समझ में, ब्रैकेट के टर्म को एबीसी, इन तीनों का सम 0 आए तो ये वाली आइडेंटिटी लगा ली, नहीं तो नहीं। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं, ये एग्जाम में कई स्कूलों ने इस क्वेश्चन को दिया, इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, −1 का क्यूब −2 का क्यूब −3 का क्यूब −4 का क्यूब और 2 × 5 क्यूब। देखिए अब बताइए 5 क्यूब कितनी बार लिखा हुआ है, 2 बार, तो देखो ऐसे लिखेंगे −1 क्यूब −2 क्यूब −3 क्यूब −4 क्यूब 5 क्यूब और 5, 2 बार लिखेंगे, ठीक है। जैसे ये दो अलग अलग क्वेश्चन होते थे ना, अब ये 2 क्वेश्चन हो गए। अब जरा चेक करो किस किस को प्लस करके 0 आता है, 1 + 2 − 3 और 5 ना, 2 और 3 और 5। तो देखो मैं कैसे लिख रहा हूं, पहले मैं लिख रहा हूं −1 −4 और −5, ठीक, ये एक क्वेश्चन हो गया। फिर प्लस का साइन, −2 −3 और −5 नहीं है, +5, ये देखिए। यानी कि जो एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन अलग अलग हुआ करते थे वो इसने एक साथ दो क्वेश्चन दे दिए। घबरा गए बच्चे, घबरा गए, इतनी बड़ी लाइन कैसे आ गई, इतने सारे क्यूब कैसे ना, देखो ये दो अलग अलग क्वेश्चन हो गए। तो ये जो 5 का क्यूब 2 बार लिखा था, एक इन दोनों के साथ पेयर बना दिया 13 और एक 5 इन दोनों के साथ बना दिया। अच्छा कैसे पता चलेगा, अरे भैया टोटल 0 आना चाहिए, देख लो माइनस के 5 और प्लस के 5 0 आ रहा है, माइनस के 5 और प्लस के 5 0 आ रहा है। यानी कि आप इस क्वेश्चन को अलग करेंगे और इस क्वेश्चन को अलग करेंगे, जैसे मैंने अभी आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चन किए, और फिर उनको क्या कर देंगे, आपस में प्लस कर देंगे। चलिए करते हैं इसको भी, तो पहले इस वाले को करते हैं। तो लेट ए की जगह −1, बी की जगह −4, सी की जगह 5, ठीक है। क्या लिखे, इफ, ये जरूर शर्त लिखना, इफ, तीनों को प्लस करते हैं, अगर इन तीनों का सम, चेक करते हैं क्या आएगा। देखो −5 + 5 बताओ भाई क्या आया, 0। अगर इन तीनों का सम 0 आया तो देन आइडेंटिटी क्या लगेगी, आइडेंटिटी लगेगी a³ + c³ + b³ + c³ = 3abc। a की जगह −1, b की जगह −4 और c की जगह 5, 3 −1 −4
इनटू 5, तो माइनस माइनस तो प्लस ही हो गया, 3 × 3, 3 × 4 = 12, 5 × 16, ये इस पार्ट में आंसर आ गया। अब इस पार्ट के लिए लो, इस पार्ट के लिए लेट, इसे थोड़ी देर के लिए क्या मान ले, P, क्योंकि एबीसी तो हम एक बार लेट कर चुके हैं। दूसरे का नाम क्यों और तीसरे का नाम R, इफ अब इन तीनों को प्लस करते हैं, P प्लस Q प्लस R, माइनस के 2 प्लस माइनस का 3 और प्लस 5, ये हो गया माइनस का 5 प्लस का 5, क्या आ गया 0। देन AQ प्लस BQ प्लस CQ इक्वल 3ABC, लगाओ आइडेंटिटी। देन इफ, देन ये दो शब्द जरूर लिखने हैं, इफ यदि ऐसा है देन इन तीनों का क्यूब, कौन तीन क्यूब हो गए, माइनस का 2Q माइनस का 3Q और 5Q, किसके इक्वल होगा, 3 माइनस 2 माइनस 3 इंटू 5, 3ABC, ये रहा A, ये रहा B, ये रहा C, मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस तो प्लस आएगा, 90 आ गया। तो इस पार्ट का आंसर 60 आ गया, इस पार्ट का आंसर 90, बताइए दोनों के बीच में किसका साइन चल रहा है, प्लस का, तो क्या लिखेंगे, therefore इसका आंसर 60, उसका आंसर 90, तो 60 प्लस 90 द आंसर इज, और कितना, 160। ठीक है, तो इतने बड़े क्वेश्चन से घबराना नहीं है, इसमें दो क्वेश्चन छिपे हुए हैं, तो पेयर आपको बनाने हैं कि किसका सम जीरो बैठेगा। तो दो बार जो 5 क्यूब था, एक बार 2 और 3 के साथ ले लिया, एक बार 1 और 4 के साथ ले लिया, क्योंकि साफ दिखाई दे रहा है कि इन तीनों को प्लस करके जीरो आएगा और इन तीनों को प्लस करके जीरो आएगा। ठीक है, ये आखिरी आइडेंटिटी भी आपकी खत्म हो गई। मैं अब आप इन बचे हुए दोनों क्वेश्चनों को भी करिएगा, ये देखिए, और फिर कल जब हम नेक्स्ट वीडियो आपके सामने शो करेंगे तो सारी आइडेंटिटी आपको टिप्स पे याद होनी चाहिए। ठीक है, आज प्रैक्टिस करिए, आपका चैप्टर 2 खत्म हो गया, अब हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे, इससे पहले आप एनसीईआरटी पक्की कर लीजिए, कोई समझ में ना आया हो उस वीडियो को दोबारा देखिए, पक्का उस वीडियो को दोबारा से देखिए, देखिए समझ में आएगा नहीं आएगा हमें बताइए, इन्फॉर्म करिए, हम उसको दोबारा समझाएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे, गॉड ब्लेस यू।